आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो, आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। इन्हें तो सभापति महोदय अपने अविश्वास प्रस्ताव पे स्वयं ही विश्वास नहीं है। सुन लो, सुन लो, सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो, इतने उत्तेजित मत हो। जो देश की जनता ने परिणाम दिया है वो स्वीकार करो। अब सभापति महोदय, इनके जो एक समूह है I.N.D.I.A घमंडिया समूह, 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ना देश की जनता की ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आज जो दृश्य हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कि अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर, अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, ये बोलने के लिए कभी तैयार हो जाते हैं लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ना देश की जनता की ठोक कर दो बार चुनाव में नतीजा हजम करने के लिए तैयार है, ना सदन की बात सुनने के लिए तैयार है। आज जो स्थिति उत्पन्न हुई है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सर आपका संरक्षण मैं चाहता हूं, इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। जो जनता के सामने नहीं कर पा रहे वो आज सदन में बैठ के कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। जो अविश्वास प्रस्ताव इनके द्वारा यहां लाया गया, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर की बात नहीं है, मिशन मणिपुर के आड़ में ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। पिछले दो दिन से मैं सुन रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम इनको भी बता दें कि अगर ये इनका वर्ताव रहा तो इनकी बात भी इस प्रजातंत्र के मंदिर में हम सुनने नहीं देंगे। पूर्ण रूप से हम स्पष्ट करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो आज जो इस क्षेत्र में और इस सदन में प्रस्तुतिकरण हुई है, ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं, ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है, सारे आवश्यक विमर्श एक तरफ रखे गए हैं और इनकी हट एक तरफ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब राहुल गांधी जी ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री के लिए हिंदुस्तान मणिपुर हिंदुस्तान का भाग नहीं, मैं बताना चाहता हूं आपको सभापति महोदय,
कि जिस प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्य को विश्व के साथ जोड़ा है, जिस प्रधानमंत्री का उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दिल का रिश्ता है, जिस प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मनों को उत्तर पूर्वी राज्य से खदेड़ खदेड़ कर बाहर कर दिया हो, जिस प्रधानमंत्री के रोम रोम में भारत माता बसती हो, जिस प्रधानमंत्री ने भारत कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनाने के लिए अनुच्छेद 370 रद्द किया हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को एक विधान एक प्रधान और एक निशान को साबित किया हो, मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को सभापति महोदय कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है हमारी नहीं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है, केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है।